रामनवमी त्यौहार एवं गया में होने वाले चुनाव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चतरा श्री रमेश घोलप के द्वारा संपूर्ण जिले में आज 17/4/2024 से लेकर 19/4/2024 के संध्या 5 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले भर में किसी भी प्रकार का मदिरा का ना तो विक्रय किया जा सकता है ना ही सेवन किया जा सकता है, और इसी आलोक में उनके द्वारा हम लोगों को लगातार सतत छापामारी करने का निर्देश प्राप्त है। इसी आलोक में हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर में अवैध रूप से शराब और नकली शराब का संचय किया गया है। इसकी सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों के द्वारा तत्काल छापामारी दल का गठन करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा गया, और सबसे पहले राजपुर बाजार में एक परचून के दुकान में छापामारी की गई। वहां पर बियर और अवैध शराब, विदेशी शराब प्राप्त होने पर सभी शराब को जब्त करते हुए जो वहां पर अभियुक्त था जिसका नाम है संजय कुमार दांगी, उसको गिरफ्तार किया गया। और जो हम लोगों को सूचना प्राप्त थी कि इसके घर में भी अवैध शराब है, तत्काल हम लोग मोबाइल को जब्त करते हुए हम लोग उसका घर गए कोयरी टोला, और घर से हम लोग भारी मात्रा में बियर और अवैध शराब जब्त किए, और साथ ही साथ वहाँ पर घर में अवैध रूप से विदेशी शराब का निर्माण किया जाता था। पेट बोतल में उसको प्रचलित ब्रांड में उसको भर कर उसको डुप्लीकेट तरीके से बनाकर उसको बेचा जाता था। तो वहाँ से भी हम लोग कैलाश तांगी को गिरफ्तार किए, और इसका जो मुख्य अभियुक्त, एक्चुअली दोनों पिता पुत्री हैं, और इसका मुख्य अभियुक्त है सत्येंद्र कुमार दांगी जो कि कैलाश दांगी का ही पुत्र है। वह उस समय घटनास्थल पर, दोनों ही स्थल पर नहीं था, घटनास्थल से फरार था। तो दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लाया गया है, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, और साथ ही साथ सत्येंद्र कुमार दांगी पर फरार अभियोग माननीय न्यायालय चतरा में दर्ज किया जाएगा। जहाँ तक से इसकी जब्ती के बात है तो किंगफिशर और गॉडफादर ब्रांड का बियर हम लोग लगभग 1272 बोतल जब्त किए हैं जो कि 650 लीटर है, और इसका अनुमानित मूल्य लगभग 101,90,000 रुपया है। और विदेशी शराब हम लोग जब्त किए हैं 221 बोतल में जो कि 61 लीटर है, और इसका अनुमानित मूल्य 57,000 है। तो लगभग हम लोग 2.5 लाख रुपया का अवैध शराब हम लोग जब्त करने में सफल हुए हैं, और इसके साथ साथ रेपर वगैरह भी वहाँ पर खाली बोतल ढक्कन भी हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया है।